दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग आज के इस बदलते वक्त का चलन हो गया। आज के इस वक्त में हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करता है। वजह भी साफ है कि ऑनलाइन शॉपिंग पर लोगों को कई तरह के लुभावने ऑफर दिए जाते हैं। लोगों को भारी डिस्काउंट और नो कॉस्ट ईएमआई जैसे कई दावे करके लालच दिया जाता है। तो जनाब, अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करने का सोच रहे हैं तो पहले हमारी इस खबर को ध्यान से देख लें, वरना बाद में आप ठगा हुआ महसूस करेंगे। दोस्तों, ऑनलाइन सेल में कैशबैक का इस्तेमाल करके खरीदारों को आकर्षित करने का सबसे आसान तरीका है। आपसे दावे किए जाते हैं कि आपको कैशबैक के रूप में 10 से 20 फीसदी तक का कैशबैक दिया जाएगा, लेकिन कैशबैक को देखकर आप नीचे दी गई शर्तों पर ध्यान नहीं देते। उदाहरण के तौर पर, यदि आपसे कहा गया कि आपको 20 फीसदी तक का कैशबैक दिया जाएगा, लेकिन इस ऑफर को देखकर अगर आपने इस ऑफर की पूरी जानकारी नहीं ली तो आपके साथ धोखा हो सकता है। तो सबसे पहले कैशबैक की स्कीम को सही से पढ़ें। इसके बाद आपको यह भी देखना चाहिए कि जो कैशबैक आपको मिल रहा है वो कब मिलेगा। कभी कभी ये कैशबैक 3 से 4 महीने में भी वापस मिलता है। दूसरा, ये भी ध्यान दें कि कैशबैक आपके बैंक खाते में आएगा या फिर वॉलेट में, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां अपने ऑनलाइन वॉलेट में ही कैशबैक देती हैं। इसके चलते आप उस कैशबैक का इस्तेमाल उसी साइट से शॉपिंग के दौरान कर सकेंगे। यही नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों का खरीदारों को लुभाने का एक और हथियार है, उसका नाम है नो कॉस्ट ईएमआई। नो कॉस्ट ईएमआई कहकर कंपनियां ग्राहकों से कई सारे दावे करती, लेकिन जनाब, बिना सोचे समझे नो कॉस्ट ईएमआई से शॉपिंग करने पर आपको सामान की कीमत से ज्यादा भी दाम चुकाना पड़ सकता है। नो कॉस्ट ईएमआई के तहत शॉपिंग करते समय सावधानी जरूरी, क्योंकि एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि नो कॉस्ट ईएमआई पर आपको प्रोडक्ट पूरी कीमत पर खरीदना होता है। साथ ही इस पर आपसे 15 फीसदी तक ब्याज भी वसूला जाता है। तो नो कॉस्ट ईएमआई देखकर किसी भी सामान को खरीदने की जल्दबाजी न करें, उसके बारे में अच्छे से पढ़ें। हकीकत तो यह है कि किसी भी कंपनी का जब कोई सामान नहीं बिक रहा होता तो उसे निकालने के लिए ज्यादातर कंपनियां नो कॉस्ट ईएमआई का सहारा लेती। तीसरा लालच होता है डिस्काउंट। फेस्टिवल सेल में ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स में कंपनियां 80 फीसदी तक डिस्काउंट देने का दावा करती, लेकिन ये डिस्काउंट केवल कुछ ही प्रोडक्ट्स पर रहता है। इसके अलावा कंपनी अपने पुराने स्टॉक को खत्म करने के लिए भी उस पर ज्यादा डिस्काउंट देती। ऐसे में ज्यादा डिस्काउंट वाली कोई भी चीज खरीदने से पहले उसकी ठीक से जांच करनी चाहिए। तो ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले पूरी जांच करें, सही से जांच परख कर शॉपिंग करें। इसके साथ ही जिस प्रोडक्ट को आप खरीद रहे हैं उसे खरीदने से पहले बाकी वेबसाइट्स पर भी उसकी कीमत की तुलना करें, ताकि आप किसी भी धोखे से बच सकें। तो दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है? साथ ही क्या आपके साथ कभी शॉपिंग करते वक्त धोखा हुआ है? आपको जो भी कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।